हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपका विजेंदर में। दोस्तों तो आज अपने लोग का तीसरा लेक्चर है, जिसमें अपने लोग आईसी का तीसरा लेक्चर देखेंगे। आज अपने लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन देखेंगे इंडिफिनिट का। दोस्तों यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेसिक से एडवांस तक लगभग 30 लेक्चर करेंगे आईसी में। आपको इंडिफिनिट, डिफिनिट एरिया सब चीज में क्लियर करेंगे। लेबनीज़ रूल, ऑर्डर, अभी चेंज ऑफ ऑर्डर, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम सरफेस निकालने के लिए, लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए, ए टू जेड होगा। मेरे साथ सिर्फ आप जुड़े रहिए और लेक्चर को आप लगा लीजिए। यदि आप सेकेंड लेक्चर मेरे देखे हैं, सेकेंड लेक्चर, तो ये सेकेंड लेक्चर पर ही बेस्ट सारा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड एनसीईआरटी से ली है। ये 39 क्वेश्चन आप कर लीजिए और इसका आंसर भी हम देखिए 39 का 39 यहाँ पे दिए हुए हैं। आप आंसर भी मैच कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन हम बना देते हैं जो हमको अच्छा लगे, थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए, और आप सब कर लीजिए, ए टू जेड क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ वही डीसी देखना है जो 3, 4, 5 रूल, 7 रूल पढ़ाए थे ना कल। दूसरा लेक्चर नहीं देखे देख लीजिए दोस्तों, आपको अभी टाइम है। यहाँ से 14 से 15 नंबर आता है और 14 से 15 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है यहाँ से। तो चलिए, हमको थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इनको निपटा देते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है क्या, क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 1/1 − 10x। ऊपर में देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला है, इसका मतलब ये कह रहा है 1/1 − 10x। तो दोस्तों कुछ नहीं, थोड़ा हिलाइएगा डुलाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो कलम हम ले लेते व्हाइट और आपका सॉल्व करते। आज बने रहिए, बहुत मस्त मस्त फॉर्मूला सब आ जाएगा। मान लीजिए सॉरी आई इज इक्वल टू, इसको साइन कॉस में बदलिए, क्योंकि आपको अपने लोगों को नहीं कुछ पता चले तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो साइन कॉस में बदलिए। फिर यदि आप एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर टी एक्स, नीचे क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यदि इसका कुछ ना कुछ भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ सेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग करना पड़ेगा, तो देखिए वही सेटिंग बता रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें यही तो एक दो क्वेश्चन अच्छा लगा हमको, इसलिए हम ले लिए। इसका सिंपल लॉजिक है, हम बता रहे क्या, देखिए ऐसे जो ये नीचा में जो रहेगा ना वही ऊपर में सेम आपको लिख देना, ये याद कर लीजिए इस तरह से। हाँ, कॉस साइन नीचा में रहे, प्लस या माइनस में रहे, ऊपर में कोई एक रहे या दोनों रहे, तो कैसे काम करना, जो ऊपर में है वो लिख दीजिए, लिख दिए तो जो जो सॉरी नीचा में वो लिख दिए। अब इनका डीसी लिखिए क्या होगा, इनका डीसी होगा आपको माइनस साइन एक्स, इसका कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स। ये बहुत इजी वे में बता रहे हैं दोस्तों, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। इसको निचला वाले को पुट कर लेता है, ये कॉस बी साइन उससे भी बन जाता है, लेकिन इनका एक रूल होता है, लेकिन हम बिना रूल का भी आपको बता रहे हैं। देखिए आपको दोस्तों चाहिए क्या चाहिए, कॉस चाहिए, आप मतलब साइन को कटाना है तो यहाँ माइनस दीजिएगा, तभी ना माइनस माइनस प्लस साइन इससे इससे कट जाएगा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, एगो कॉस दो गो कॉस, आपको चाहिए कितना, एक ही कॉस, मतलब दो ठो हो गया ऊपर, वो तो अपने लोग के हाथ में है ना 1/2 बैलेंस करना, तो बैलेंस कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन हो गया जी 1/2 इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, फिर ई माइनस 1/2 इसमें भी गुना होगा 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। यदि गौर से आप देखिएगा दोस्तों, ये और ये तो आपका गया, इसको ध्यान से देखिए, ये तो ऊपर में अपने लोग का ये तो डीसी लिखा हुआ है, मान चलिए एफ है, यो एफ डैश है, आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स यहाँ डी एक्स, ये क्या होता है लॉग एफ एक्स। फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े तो ये सब फॉर्मूला पढ़िए, देखिए कैसे डायरेक्ट यूज होता है। इसको 1/2 यहाँ नहीं कुछ तो डी एक्स का वैल्यू एक्स होगा, माइनस 1/2 इसका क्या होगा लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। एक दो क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए हम कर देते हैं, आप खुद से सारा क्वेश्चन करिएगा बन जाएगा, थोड़ा बहुत हिलाइएगा डुलाइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। जो नहीं बने वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए
वहाँ से हमको मैसेज कर सकते हैं, या ग्रुप में बहुत सारा लोग है, आपका कोई ना कोई जवाब दे देगा। दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देख लीजिए किधर गया। ओ व्हाइट कलम ले लिया इसलिए कलम नजर नहीं आ रहा, देखिए 33 देखिए है उतना ही, x बटे टू वन बाई टू लॉग कॉस माइनस टेन एक्स, वही है ना, देखिए x बटे टू वन बाई टू लॉग कॉस एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है आंसर में। एक दो और कर दे क्वेश्चन, क्या कि आज पढ़ा है, चलिए एक और कर देते, यही वाला कर देते, लिए यही वाला कर देते, क्या है टेन एक्स बटे साइन एक्स रूट टेन एक्स होगा। क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, i इज इक्वल टू शायद रूट टेन एक्स था ऊपर में, ठीक है नीचा साइन एक्स कॉस है, तो टेन का डीसी कॉसेक सेक स्क्वायर होता है, तो आप लोग सेक स्क्वायर बनाने का ट्राई करिए, सेक स्क्वायर इनका सॉल्यूशन यदि दोस्तों देखिएगा, सेक ट्राई करिए बनाने का सेक स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से, ये टेन एक्स है तो टेन एक्स बटा यहाँ पे क्या है साइन एक्स, यहाँ कॉस एक्स, ये है डी एक्स। यदि गौर करिएगा दोस्तों इसको भी टेन बना दे तो क्या कोई दिक्कत, ये वो कॉस से मल्टीप्लाई कर लिए या डिवाइड कर दिए, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया, ऊपर जगह सेक स्क्वायर हो गया, मामला देखिए कितना मस्त से बन गया। ये सब बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आपको लग रहा है ना, तो आप पहले ट्राई करके देख लीजिए, और नहीं होगा फिर मेरा वीडियो देखिए। ये हो गया आपका टेन एक्स, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर को दोस्तों ऊपर ले चलिए, ये हो गया आपका टेन एक्स, ये हो गया आपका टेन एक्स, सॉरी टेन एक्स, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कटेगा तो एक और टेन बचेगा, इनसे काटेगा तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा, कल जो फार्मूला सब बताया वो सब डायरेक्ट यूज होता है। अब देखिए ध्यान से, यदि इसको यदि आप एफ एक्स मान लीजिए एफ एक्स एफ, तो ये तो पूरा आपका एफ एफ डैश एक्स है। एक फार्मूला कल आप देखे थे, क्या देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बट एफ एक्स का रूट, तीसरा नंबर फार्मूला डी एक्स, ये होता है टू रूट एफ एक्स प्लस सी। ये जब आप ये जब देख लिए हैं तो आपको अब क्या जाता है, इस्तेमाल करिए आंसर लाइए, नहीं मतलब ऊपर में डी गधा नीचे में रूट गधा, तो यहाँ तो टू रूट गधा होता है, तो वहीं करिए, क्या होगा यहाँ पे टू एफ एक्स का वैल्यू ये प्लस सी, यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हो गया कल वाला, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है एक तरह से, वो तो फॉर्मूला यूज कर ले, इसको टी पुट कर लिए क्वेश्चन बन जाएगा, इसको जब ये आप टी पुट करिएगा तो जैसे पुट करेंगे टेन एक्स को टी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इसको भी करिएगा तो वही चीज़ है, लेकिन हमको ये फॉर्मूला पता था तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आज का सीरियस होके पढ़िए, आज भी होमवर्क मिलेगा, चलिए हेडिंग दीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 9 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज बता रहे हम, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन है वो देख लीजिए दोस्तों। वो इंपॉर्टेंट फार्मूला की मैं बात करूँ तो पहला फार्मूला व्हाइट कलम ले लें, भाई यार क्या हो गया, चलिए व्हाइट कलम ले लीजिए, टेबल पे हिल रहा है ना, बड़ी दिक्कत हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं व्हाइट कलम लिया। पहला फार्मूला है जो कि ये सब नोवो आपको जुबान पर आना चाहिए पूरे, है वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दूसरा हो गया दोस्तों वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, पहले ये दोनों को निपटा देते हैं फिर आगे की बात करते थे। इसका फॉर्मूला होता है कल इस्तेमाल भी किए थे, वन बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, इनका प्रूफ करिएगा तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा प्रूफ, चलिए एक प्रूफ करके आपको दिखा देंगे। इनका फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो वन बटा टू ए लॉग एक्स
स्क्वायर माइनस है ना, तो यहाँ ऊपर में एक्स माइनस ही आएगा, नीचे एक्स प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यदि यहाँ पे ये रहता दोस्तों, वन बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन तो वन बटा टू इसमें भी आता, लॉग इसमें भी आता, यहाँ पे ए में से एक्स स्क्वायर घटा है, यहाँ एक्स स्क्वायर में से घटा है, तो यहाँ ए प्लस आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक्स में से जिंदगी मतलब एक्स में से कुछ घटा दीजिए, मतलब एक्स को जिंदगी से हटा दीजिए, ये क्या है, हमेशा ए पढ़ाई लिखाई में पॉजिटिव आना चाहिए, ए पॉजिटिव आना चाहिए ऊपर में, एक्स जिंदगी में नहीं रहना चाहिए, एक्स माइनस होना चाहिए, इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। जहाँ तक प्रूफ की बात करो, चलिए प्रूफ कर लेते, पहला ही प्रूफ कर लेते, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, वहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या उड़ गया लगता है, उड़ गया, चलिए प्रूफ कर लीजिए, आई इक्वल टू कितना है, डी एक्स बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का यदि रहता है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं, याद है ना, जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो ए साइन थीटा पुट करते हैं, अब डी सी करिए तो डी एक्स कितना होंगे, ए स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें पुट कर लीजिए, आई इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू ए एक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए टेन थीटा का स्क्वायर, और ऊपर में हो गया ए एक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको यदि अच्छा से देखिएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा ए स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा था, कैंसिल हो रहा था, कर दीजिए, ये से ये गया और ये से ये गया, तो कैंसिल होने के बाद बच गया क्या दोस्तों, वन बटा ए डी थीटा, ये हो गया वन बटा ए थीटा प्लस सी, वन बटा ए थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एक्स बटा ए, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिएगा, टेन इनवर्स एक्स बटा ए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ध्यान से देखिए, तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तो कुछ नहीं, सारा फॉर्मूला इसी तरह से प्रूव हो जाएगा, और पहला सेकंड का प्रूफ की मैं बात करूँ तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर करिएगा, फैक्टर करिएगा, आपका मामला बन जाएगा, तीन फार्मूला हो गया। चलिए चौथा फार्मूला बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, चौथा फार्मूला, अब रूट 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 चढ़ाते हैं, इससे पहले रूट नहीं चढ़ाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर आप रूट चढ़ा दीजिए डी एक्स, इनका फार्मूला। पाँचवा नंबर की मैं बात करूँ दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा, इस बार माइनस ले लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, छठा फार्मूला, इस बार क्या करिए ना, माइनस लीजिए लेकिन उल्टा करके, ए स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर, देखिए तीनों में डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है, देखिए तो ये तो वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है, तो इनका बहुत आसान रहता है, साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, इनका प्रूफ के लिए आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा प्रूफ करिए, हो जाएगा प्रूफ, जैसे मैं आपको हिंट दे दूँ, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, 100% आपका प्रूफ हो जाएगा। इनका मैं बात करूँ, ये दोनों में लॉग आता है, ये दोनों में लॉग आता है, एक्स स्क्वायर पहले रहेगा तब, एक्स स्क्वायर बाद में रहेगा तो सर इनवर्स आ गए, एक्स स्क्वायर पहले रहेगा बाद नीचा में रूट रहेगा, तो दोनों में लॉग आता है, इसमें भी लॉग आता है, अब कुछ नहीं, एक्स प्लस दिस हो गया आंसर, कितना आसान है, इसको सुबह शाम एक दो दिन देखिएगा ना दोस्तों, याद हो जाएगा, ये एक्स प्लस दिस, छः फार्मूला आपको बता दिए, ये छः याद हो गया, प्रूव हो जाएगा ये सब। चलिए एक ठो हम प्रूव कर देते हैं, आप कर लीजिए, चार नंबर का हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ चार नंबर क्या है, आई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन रूट है, आपको पता है पुट क्या करते हैं, ए टेन थीटा पुट करते हैं, चलिए पुट कर दिए, इनके बाद डी एक्स इक्वल टू ए
एक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ से आप क्या करते थे एक्स बटे ए इक्वल टू टेन थीटा, और यहाँ हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू थीटा। इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे अंतिम पुट करने टाइम, ये तो अभी पुट किए हैं। चलिए ये सब वैल्यू यहाँ पुट करिए, क्वेश्चन बन जाएगा। डी एक्स का वैल्यू दोस्तों ए एक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टा ए टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। यदि बात करूँ इसका ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दोस्तों, ये हो गया आपका ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन उनका रूट। इसको ध्यान से देखिएगा तो ऊपर हो गया एक सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचा यदि ए बाहर आएगा ए स्क्वायर तो बाहर ए आया, ये वन प्लस टेन अति वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो सेक थीटा, ए को कट जाएगा तो ए को काट दीजिए, इनको काट दीजिए, ए को कट गया आपका, ये भी कट गया, तो बच गया क्या दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ध्यान से एक थीटा डी थीटा। यदि नेक्स्ट पेज में इसको लिखेगा कलम बदल के दोस्तों तो क्या आ गया आपका सेक थीटा डी थीटा। सेक का क्या होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सब पिछला क्लास में हो चुका है। अब देखिए दोस्तों सी वन ले लीजिए, अब देखिए आपको पता है क्या पता है टेन थीटा इजकल टू एक्स बटा ए, इनका मतलब क्या हुआ यदि ये थीटा है ये एक्स है ये ए है ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग सेक का यदि सेक क्या होता है एच बटा पी बी एच बटा बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच बटा बी, बी का वैल्यू यहाँ ए है, ये हो जाता है पी, ये होता है बी, ये होता है एच दोस्तों हो गया, प्लस टेन का वैल्यू एक्स बटा ए प्लस सी वन। अब एलसीएम यदि दोस्तों लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स आ बटा ए, कोई दिक्कत ऐसे प्लस सी वन, इसको लॉग एम मान लीजिए लॉग एन मान लीजिए तो ऐसे होगा लॉग एम, थोड़ा सा यहाँ लबड़ा गया तो मिटा दीजिए दोस्तों, थोड़ा मैक उधर चल रहा है तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, पता नहीं अभी मैक बंद हुआ था फिर हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे, लेकिन अब थोड़ा ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इसका रूट, ये लिखे लॉग एम माइनस लॉग एन प्लस सी वन, अब ये दोनों को मान के एक ठो बड़ा कॉन्स्टेंट सी मान लीजिए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, उसको मान लीजिए सी, यही तो आपको प्रूव करना था प्रूव। आप देख लीजिए ना एक्स प्लस दिस था उल्टा है तो कोई बात नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्स प्लस दिस है ना, देखिए एक्स प्लस दिस है कि नहीं तो प्रूव हो गया। इसी तरह से आपको ये तीनों प्रूव कर लेना है, इनको इनको यहाँ पे ए सेक थीटा पुट करना है, यहाँ पे यह हेड है ए साइन थीटा पुट करना है तो प्रूव हो जाएगा। अब तीन 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 मैक का आवाज़ नहीं थी सॉरी साउंड नहीं आ रहा उधर से दोस्तों, कुछ चल रहा है उधर बैकग्राउंड में, कोई बात हम थोड़ा जोर से बोलते हैं उसको दाब देंगे अपने लोग। चलिए छठे हो गया सतवां, देखिए दोस्त सतवां सतवां की बात करूँ दोस्तों, सतवां होता है आपका तीन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस बार ऊपर में रहे, इससे पहले क्या था तीनों नीचा में था ना नीचे नीचा में, इस बार ऊपर में रहेगा ऊपर में ऊपर में। अब आठवां देखिए दोस्तों आठवां आठवां की मैं बात करूँ दोस्तों तो इस बार क्या होगा आपका माइनस ले लीजिए यहाँ बीच में, इस बार क्या करिएगा दोस्तों इस बार ए स्क्वायर को पहले लिखिए बाद स्क्वायर को, मतलब तीनों डिफरेंस है, देखिए कुछ नहीं किए हैं स्टार्टिंग से चलिएगा इन्हीं तीन को लेकर चल रहे किसको किसको एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तीन ठो को एक बार नीचा में लिखे बिना रूट का, एक बार नीचा में लिखे रूट के साथ, एक बार ऊपर में लिखे किसके साथ ऊपर में लिखे रूट के साथ, रूट ऊपर में नहीं रहेगा तो तब तो ईजी हो जाएगा वो तो आसानी से हो जाएगा। इसका फार्मूला याद रखना बड़ी आसान है, ये तीनों का देखिए इसमें भी एक्स बाय टू आएगा, इसमें भी एक्स बाय टू आएगा, इसमें भी एक्स बाय टू आएगा, जो रहेगा वहीं लिख देना है, जो रहेगा वहीं लिख देना है, लिख दिए यहाँ पर भी जो रहेगा वहीं लिख देगा, ये ऊपर वाला खेला हो रहा है, यहाँ पर जो रहेगा वहीं लिख देना है। इनके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर है यहाँ लिखना है आपको ए स्क्वायर बाय टू,
यहाँ पे क्या है माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखना है माइनस ए स्क्वायर बटू, यहाँ क्या है ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर बटू। अब मान के चलिए ये नीचा में रहता है, ये नीचा में रहता है, ये नीचा में, तो नीचा में रहता है तो ये फाइव नंबर का बन जाता है सेम टू, सॉरी फोर नंबर का, ये चिपका दीजिए नीचे वाला उसके आगा में, इनको क्या चिपकेंगे लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अभी प्रूव भी किए ये सी। यहाँ पर यदि ये नीचा में रहता है तो उसको चिपका देंगे लॉग एक्स प्लस दिस, अभी सब प्रूव किए ना लास्ट में जाके, ये नीचा में रहता क्या आता, नीचा में रहता तो ये बन जाता ना, ये बन जाता यहाँ साइन इनवर्स एक्स पर ए चिपका दीजिए उसका गाड़ी में। देखिए याद कैसे करा दिए इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स पर ए, मतलब दोस्तों एक्स पर टू तो सब में रहेगा, यहाँ उतर जाएगा यहाँ उतर जाएगा यहाँ उतर जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाई टू, इसको नीचा लाएंगे तो साइन इनवर्स में आएगा तो यहाँ चिपका दिए, इसको नीचा लाएंगे तो लॉग एक्स प्लस दिस बचेगा तो उसको चिपका दिए चिपका दिए। ये नौ फार्मूला आपको याद हो गया, नौ फार्मूला याद हो गया तो अब क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं ये नौ पे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये सब सीखना है, ये यही सब तो काम आएगा आपको वहाँ पे डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको निकालने के लिए देंगे, तो जनरली लोग यही नहीं पढ़ते हैं, बाद में बाप बाप करते हैं, बोलते हैं हमको तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, हमारा तो मेन एग्जाम में नंबर ही ना आ रहा है, आएगा कहाँ भाई कहाँ से, बेसिक तुम कर ही नहीं दो, बेसिक में मुश्किल से टाइम भी नहीं लगेगा, एक वीक से पहले ही हो जाएगा 25x2। चलिए बनाइए इनको सॉल्यूशन, तो आपको नहीं लग रहा है नीचा में क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में बन सकता है नहीं, लेकिन यहाँ पे 25 परेशान कर रहा है, तो 25 को तो अपने हाथ में है ना, डी एक्स बटा यहाँ दो स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ 25 को 5x का स्क्वायर लिख लेंगे, कौन फॉर्म पे बन गया इस फॉर्म पे बोलिए ना, कौन डी एक्स बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है वन बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, ये फार्मूला तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन ये जगह पे क्या है आपको देखिए ना, आप ये जगह पे जहाँ पे ए है वहाँ टू है, जहाँ पे एक्स है वहाँ फाइव एक्स है, लिखना इन्हीं को है इसको इसको ही, लेकिन समझ रहे ना क्या लिखेंगे, ए जगह पर टू लिखेंगे, ब्लैक ले लिए क्या, लिखेंगे ए जगह पे टू तो वन बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, तो वन बटा ए एक वैल्यू टू, टेन इनवर्स फाइव एक्स बटा ए एक वैल्यू टू प्लस सी। यही बहुत लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं आपको पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, फार्मूला तो काम करेगा लेकिन पहला क्लास याद करिए, जब एक्स के बगल में कोफिशेंट ए रहेगा तो उनसे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये आंसर हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया वन बटा टेन टेन इनवर्स फाइव एक्स बटा टू प्लस सी। फिर दोस्तों मैक स्टार्ट हो गया, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आंसर हो गया आपका, बात क्लियर। यहाँ देख लीजिए ना दोस्तों, यहाँ पे ए इजिकल टू कितना है दो और एक्स इजिकल टू कितना है फाइव एक्स है, ये है ना, इसको थोड़ा एक्स ही मान लीजिए एक्स को, ठीक अब ठीक है, अब समझ में आया, अब ठीक है, चलिए मिटा के लिख देते हैं आप लोग को भी अच्छा लगेगा, कन्फ्यूजन हो इसलिए हम कर देते हैं एक्स एक्स, ठीक है यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है फाइव एक्स, तो हम एक्स के फाइव एक्स लिख दें, क्लियर होना चाहिए, ये सब भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए और रिविजन कर दे थोड़ा थोड़ा, उधर पीछा से मैं का आवाज़ आता होगा दोस्तों, उसको मैनेज करिएगा, थोड़ा देर में बंद कर लेगा, बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत देर से सोच रहे थे अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे अभी करेंगे, लेकिन क्या करेगा वो सब, यहाँ क्या है थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स, इनको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना, ये नहीं लग रहा है नीचा में क्या है, ये इस पर बन सकता है, ये पहला वाला फॉर्मूला सेकेंड वाला इस पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर एस जगह पर यहाँ वाई है तो कुछ नहीं है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ डी वाई है, इनको लिख सकते हैं रूट थ्री वाई का स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं, माइनस सिक्स है तो इसको लिख सकते हैं रूट सिक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया, ये पर डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है वन बटा टू ए लॉग एक्स को जिंदगी माइनस है तो एक्स को हटाना है जिंदगी में से, एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस प्लस सी, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, इन्हीं का आप इस्तेमाल करिए यहाँ पे,
यहाँ पे जहाँ एक्स है वहाँ क्या है आपका रूट थ्री वाई है, जहाँ ए है वहाँ क्या है आपका रूट सिक्स है। तो लिखना है उन्हीं फार्मूला को, लेकिन एक्स जगह पे रूट थ्री वाई, तो वन बटा टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए लिखेंगे, प्लस ए वन बटा टू ए, ए का वैल्यू रूट सी, लॉग एक्स का वैल्यू रूट थ्री वाई माइनस रूट सिक्स, रूट थ्री वाई प्लस रूट सिक्स प्लस ए। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, यही गलती आपको नहीं करना है। क्या गलती करते हैं दिखा रहे हैं आपको, गलती करते क्या है, सब मिट गया लग रहा है, मूड खराब हो जा रहा है, फिर से क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, मिट गया ऑटोमेटिक, पता नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाए। तो क्वेश्चन क्या था, डी वाई था आई इजिकल टू, यहाँ था आपका थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स, कोई बात नहीं, आपको नहीं लग रहा है इस फॉर्म पे है, इस फॉर्म पे डी एक्स बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन बटा टू लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस ए। दोस्तों मैं का आवाज शायद आता होगा, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, आप ध्यान देते रहिएगा, मतलब इसलिए हम थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। चलिए अब करेंगे क्या, करना तो पड़ेगा ही। तो आई इज कल टू कितना हो गया डी वाई, इसको लिख लीजिए रूट थ्री वाई का स्क्वायर माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जितना जहाँ आपको दिख रहा है एक्स, तो वहाँ आपको रूट थ्री वाई नजर आएगा, जहाँ ए दिख रहा है वहाँ रूट सिक्स नजर आएगा। तो लिखना इन्हीं को है, इन्हीं को दोस्तों, इन्हीं को, लेकिन इन्हीं को लिखना है, वन बटा टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, लेकिन एक्स के ऊपर रूट थ्री लिखना है। तो लिखिए वन बटा टू रूट सिक्स लॉग एक्स मतलब रूट थ्री वाई माइनस रूट सिक्स बटा रूट थ्री वाई माइनस रूट सिक्स प्लस सी। लेकिन लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वो गलती आपको बता दें, गलती क्या करते हैं ना, y के बगल में रूट थ्री है ना, तो वो फार्मूला तभी काम करेगा, तो रूट थ्री से आपको डिवाइड कभी करना पड़ेगा, रूट थ्री से डिवाइड। अब ये आंसर हुआ करेक्ट, ये डिवाइड हो गया तो करेक्ट हो गया। अब क्या आंसर हो जाएगा, वन बटा ये देखिए छत्री अठारह, नहीं तो यहाँ से रूट थ्री ले लीजिए, रूट थ्री तो रूट थ्री रूट थ्री थ्री तीन ना छः, यहाँ टू बच गया सिक्स रूट टू लॉग। अब देखिए यहाँ रूट थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, इसको भी इनको भी, यहाँ वाई माइनस रूट टू बटा वाई, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा वाई प्लस रूट टू प्लस सी। तो यही तो आपका आंसर हो गया दोस्तों, यही तो आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो ईजी है, अभी आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं ना, इसलिए चलिए इस फॉर्मूला भी मैं आपको करा दिए, एक क्वेश्चन और करा ली, सारा आप करेंगे सारा, बस ये क्वेश्चन देख लीजिए, इनको सॉल्व करिए। क्या है डी एक्स बटा सिक्सटीन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इस बार रूट वाला आया है, रूट वाला, इसको करिए। इनको करने के लिए आपको, आपको नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला यूज होगा शायद इसमें, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, ये फॉर्मूला कहीं कहीं नहीं लग रहा आपको यूज होगा, ये जो यूज होगा तो करिए ना यार, कहाँ किसके कहाँ सोच रहे हैं, करिए इस्तेमाल। तो उस फॉर्म में पहले तो बनाइए, आई इजिकल टू क्या आएगा आपका डी एक्स, तो डी एक्स नीचे हम 16 को लिख लीजिए, चार का स्क्वायर, यहाँ चार टू एक्स, यहाँ टू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ये आप देख लीजिए ध्यान से, ए इजिकल टू फोर एक्स इजिकल टू टू एक्स, लिखना इन्हीं को है, लेकिन एक्स जगह पर टू एक्स लिखना है, ए जगह पर फोर लिखना है, लिखिए इसको, इसको लिखिए साइन इनवर्स एक्स एक्स बटा ए प्लस सी, इसको लिख सकते हैं ना आप साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब टू एक्स बटा फोर प्लस सी। लेकिन यहाँ पे रेड कलम से हम खतरों के निशान इसलिए दे रहे हैं ना, लोग क्या करते हैं ना वन बटा ये एक्स के बल में क्या है दो, दो से डिवाइड करना ही भूल जाते हैं, वो डिवाइड नहीं करना नहीं भूलना है, ये क्या हो गया वन बटा टू साइन इनवर्स, ये कितना हो गया एक्स बटा टू प्लस सी, यही हो गया आपका दोस्तों आंसर। आसान है ना, सिर्फ वो डिवाइड करने के लिए नहीं भूलिएगा, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। यदि ज़्यादा डर होता है तो यहाँ से पहले आप चार कॉमन ले लीजिए,
तब डिवाइड करने का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन क्यों भाई, हमसे पढ़ रहे हैं तो फिर चार कॉमन के लिए जो आसानी रहेगा वो सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये नौ फार्मूला पर पूरा आपको अच्छा पकड़ बना देते, इसलिए क्वेश्चन ला रहे हैं मित्रों। ये हो गया आपका डी एक्स बटा थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका 16। आपको नहीं लग रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कुछ फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, ऐसा मतलब डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या होता है 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, ये फार्मूला टाइप का, इनको आप इस्तेमाल करिए। ये कुछ याद आया, एकदम याद आया होगा, ठीक है। तो आई इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये तो संजोग से फॉर्म में बना हुआ है, ये पहला वाला तो स्क्वायर में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए इसको चार का स्क्वायर, तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या है थ्री एक्स प्लस टू है, जहाँ ए है वहाँ फोर है कि नहीं है, देख लीजिए। इस्तेमाल लिखना इन्हीं को है, इनको ही लेकिन ए जगह पर चार लिखना है, एक्स जगह पर थ्री एक्स प्लस टू लिखना है। लिखिए 1 बटा ए टेन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, लिखिए 1 बटा ए, ए का वैल्यू चार, टेन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू थ्री एक्स प्लस टू, आ बटा ए, ए का वैल्यू चार। लेकिन ललका कलम तो आपको याद ही होगा क्या, एक्स के बगल में क्या कोफिशिएंट है थ्री, तो थ्री से तो डिवाइड करना पड़ेगा। जब थ्री से डिवाइड करिएगा तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, वन बटा चार तीन बारह, टेन इनवर्स वन बटा बारह, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस टू बटा फोर प्लस सी, यही हो गया आपका दोस्तों आंसर। कुछ है लेकिन यही सब बहुत लड़का को बड़ा लगने लगता है, उसको इसको टिप पुट करता है, पता नहीं क्या क्या पुट करता है। आपको नहीं करना, आप हमसे पढ़ रहे हैं इसका मतलब आपका बेसिक क्लियर हो रहा है, आप 14-15 नंबर सिक्योर करने जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं 30 लेक्चर में। आई इजिकल टू कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 1 - 4x², ये हो गया आपका डी एक्स, इनको करिए। ये आपको नहीं लग रहा है किस फॉर्म पे है, इस फॉर्म पे, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का कुछ, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर डी एक्स, इसका आपको क्या पता है, पता है सॉरी एक्स बटा टू यही लिख देंगे, आ प्लस ए स्क्वायर बटा टू है, ए स्क्वायर टू उसको नीचा रहता है तो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय, याद हुआ कि नहीं फार्मूला, नहीं बात इसलिए हम लिख देते बगल में, अभी याद कर लीजिए। ये नाइन नंबर का फार्मूला है, नाइन नंबर का, तो करिए इस्तेमाल इसको। क्या है आपका, वन को लिख सकते हो वन स्क्वायर, इसको टू का स्क्वायर, मतलब दूधनी चार हो जाएगा फिर, तो जहाँ एक्स है वहाँ टू, टू एक्स, जहाँ ए है वहाँ वन है। इस्तेमाल इन्हीं को करना है, इन्हीं को लिखना है, लेकिन एक्स जगह पर टू एक्स लिखना है, तो लिखिए टू एक्स बटा टू, फार्मूला लिख दे क्या लिखेंगे वहीं से देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बटा टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब टू एक्स बटा वन प्लस सी, इसको गुना भाग करिएगा तो एक्स 1 - 4x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, और यही हो गया आप दोस्तों आपका आंसर। देखिए है ना कितना आसान, देखने में लग रहा है पूरी फार्मूला आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, फिर नया चीज़ सीखेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन है क्या दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों ये डी एक्स बटा रूट है एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है प्लस फाइव, इनको करिए। तो ये नहीं लग रहा है आपको ऐसा कि डी एक्स बटा वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर का रूट, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, पता है लॉग एक्स प्लस दिस, नहीं याद है तो ये कितना नंबर होगा, चौथा पचवा नंबर का होगा शायद ये फॉर्मूला, इसका यहाँ इस्तेमाल करिए। इसलिए हम बगल में लिख देते हैं आपको बार बार कि आपको याद रहे दोस्तों, याद रहे, आप भूल ना जाए। ये जो पहाड़ बना देते हैं, ये बादल नहीं है दोस्तों, ये याद करने के लिए बादल बना रहे हैं आपको। तो ये डी एक्स, ये तो स्क्वायर में लिखा हुआ ही है, इसको तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इनको स्क्वायर में लिख लिए। जहाँ एक्स है वहाँ क्या है एक्स प्लस थ्री, जहाँ ए है वहाँ क्या है रूट फाइव, लिखना दोस्तों इन्हीं को है, इन्हीं को लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इन्हीं को लिखना है, लेकिन एक्स जगह पर आप डाल दीजिए एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स के बगल में वन है तो वन से आप डिवाइड भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन से डिवाइड भी पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं आपको इसी पर बेस्ट, इसी पर बेस्ट अच्छा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आज नोवा फार्मूला का पूरा पकड़ बना लेंगे ना फिर, क्योंकि ये सब फार्मूला बहुत इस्तेमाल होता है। एवोल्यूएट किसको एवोल्यूएट करना है, आई इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स पावर 12 डी आर करिए। तो कल जो पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड उनका भी इसमें इस्तेमाल होगा। कैसे देखिए, आई इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा है कि ये 12 है तो 12 को लिख सकते हैं एक्स पावर 6 का स्क्वायर, और उनका डीसी यहाँ पर सेट है एक्स पावर 6 का, उसमें 5 आता है एक पावर घटेगा तो लिखिए ना, तो टेंशन क्या ले रहे हैं, एक्स पावर 6 सक डी बट इसको लिख सकते 4 का स्क्वायर 16 को, इनको लिख लिया एक्स पावर 6 इनका स्क्वायर, बात को पकड़ रहे मेरा। अब देखिए दोस्तों है क्या, गधा से कर दे, गधा से एकदम गधे से कर देते। देखिए यहाँ पे आपको 6 मिस हो रहा है, तो 6 क्या है वो तो अपने हाथ में, 6 आपको अपने हाथ में, 6 को अपने हाथ में 6 तो दे दिए इसको। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 1/6, इनको लिख सकते हैं डी अपॉन एक्स पावर 6, इसको डिफ्रेंशिएशन करिए तो इतना ही आ जाएगा ना, डी के अंदर में लिख दिए थे 6x5 इंटू डी एक्स, ये हो गया 4x2 अधिक 4 का स्क्वायर प्लस एक्स पावर 6 का स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ गधा बटा ए स्क्वायर, यहाँ गधा हो गया गधा का स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको पता नहीं, 1/a होता है, टेन इनवर्स गधा बटा ए प्लस सी, यूज कर लीजिए इनको, जब ये यूज करिएगा क्वेश्चन आपका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये फार्मूला कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ए होगा फर्स्ट, हाँ देखिए 1/ गधा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी गधा, डी के अंदर एक्स होना चाहिए, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा, जैसे वहाँ एक्स 6 था तो डी के अंदर में 6 बनाए तो 1/a टेन इनवर्स गधा बटा ए वही लिखे ना यहाँ पे, देखिए तो लिख लिए यहाँ हो गया आपका गधा बटा ए स्क्वायर गधा का स्क्वायर, डी के अंदर में देखिए यहाँ जो है वही है तो 1/a टेन इनवर्स गधा बटा ए, तो ये इस्तेमाल करिए यहाँ पे, सॉरी सॉरी वट ले ली, देखिए 1/6 1/a ए जगह कितना है 4, टेन इनवर्स गधा गधा जगह एक्स पावर 6 बटा ए इक्वल प्लस सी, आंसर हो गया, बात समझ रहे, नहीं तो आप टी पुट कर लीजिए एक्स पावर 6 को टी पुट कर लीजिए, बाद में भी यही आंसर आएगा फिक्स है। तो इस तरह से सीखिए, जो हम अभी सिखा रहे हैं ना इस तरह से सीखिए तो क्वेश्चन धड़ दो लाइन में ही आएगा, साफ सुथरा भी आएगा, सही भी आएगा, नहीं तो बहुत लोग तो गंदगी इतना फैला देते हैं ना कि बाद में पता चलता है वो क्या लिखे उसको खुद ही पता नहीं चलते रहता है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, इनको करिए, आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बटा 25 प्लस एक्स पावर 8 डी आर, अरे प्लस वाला ले लिए एक तो माइनस वाला इस बार ले लीजिए, प्लस वाला एक हो गया ना यहाँ माइनस, चलिए इसको करिए। आपको नहीं लग रहा ये, देखिए ये किसका डिफरेंस होता है एक्स पावर 4 का, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं, और उसी वो सेट भी है तो उनको लिखिए, तो लिखते हम देखिए, आई इज इक्वल टू एक्स क्यू डी एक्स बटा, इनको लिख सकते 5 का स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करिएगा तो 4x³ आएगा, तो 4 वहाँ मिस होता वो तो अपने हाथ में है ना, ये 4 तो आपके हाथ में है ना, तो 4 तो आप बैलेंस कब भी कर सकते हैं, बैलेंस जब करिएगा तो 1/4 ये हो गया डी अपन एक्स 4/5² माइनस एक्स पावर स्क्वायर। अब इस फार्मूला पे ये बैठ गया, किस फार्मूला पे ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ गधा बटा ए स्क्वायर माइनस गधा का स्क्वायर इंटू डी गधा, ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता पता है, 1/2a log ए स्क्वायर सॉरी a प्लस होगा क्योंकि a को जिंदगी में से हटाना है ना, a प्लस होगा तो प्लस लिख दीजिए,
ए प्लस गधा बटा ए माइनस गधा प्लस सी, इसका इस्तेमाल करिए क्वेश्चन बन गया आपका, इनका आप इस्तेमाल करिए आपका क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो वन बटा फोर तो रहेगा ही, वन बटा टू ए, ए का वैल्यू फाइव, लॉग ए माइनस गधा, गधा का वैल्यू थ्री है, ए प्लस सॉरी ये ऊपर में प्लस है तो ऊपर में प्लस दीजिए, यहाँ पे माइनस होगा, फार्मूला में जो रहेगा वही ना दीजिएगा, अपने मन से थोड़ी दीजिए, यहाँ देखिए माइनस है तो अपने लोग भी माइनस दीजिएगा ना, तो माइनस दीजिए तो माइनस एक्स पावर फोर प्लस सी, यही तो हो गया पाँच चौक दस, वन बटा चालीस लॉग फाइव प्लस एक्स फोर बटा फाइव माइनस एक्स फोर, काहेल पुट पाट करिएगा गधे से काम करा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो रहेगा वही ना डी के अंदर में रहेगा, यहाँ गधा है तो डी के अंदर में गधा रहना चाहिए, यहाँ एक्स रहता था तो डी के अंदर में एक्स रहना चाहिए ना, यहाँ एक्स पावर चार है तो डी के अंदर में एक्स पावर चार रहना चाहिए ना, वो नहीं था तो अपने लोग बनाए, कैसे बनाए, चार से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाए, इनको फिर यदि तोड़िएगा तो इतना ही आ जाएगा, इनको डी एक्स पावर फोर को फोर एक्स क्यू डी एक्स होगा। तो यहाँ तक यदि क्लियर है और क्वेश्चन करिएगा क्या, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, फिर नेक्स्ट फॉर्म बताएं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट फॉर्म बताते हैं आप पी वाई क्यू, तो अभी प्रीवियस आपको तो और चीज बते हुए करेंगे, अभी बहुत चीज़ बताने के लिए यहाँ पे बाकी है दोस्तों। चलिए अब हेडिंग दीजिए न्यू चीज़ का, बहुत प्रॉब्लम उस पर कर लिया, आप खुद से भी करिएगा और उसे होमवर्क दे देंगे एनसीईआरटी के, बहुत सारा क्वेश्चन लिखिए। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अब इस फॉर्म फॉर्म पढ़ा रहे दोस्तों, अभी जो पढ़े नैन फॉर्मूला आप उन्हीं पर फॉर्म आएगा, ये उन्हीं पर पहला फॉर्म क्या है देख लीजिए, पहला फॉर्म है इंटीग्रेशन रहेगा वन बटा क्वाड्रेटिक रहेगा नीचे में क्वाड्रेटिक, दूसरा क्या होगा दोस्तों इंटीग्रेशन रहेगा वन बटा क्वाड्रेटिक ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर ये रहेगा रूट रहेगा रूट के अंदर, तीसरा का मैं बात करूँ तीसरा फॉर्म का दोस्तों ये ऊपर में ही रहेगा लेकिन ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, तो ऐसा रहेगा तो सिंपली है कर दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन आप मल्टीप्लाई करके, लेकिन रूट चढ़ा देंगे तब तब फिर दिक्कत हो गया, ये तीनों के लिए एक ही फार्मूला काम करेगा क्या, इसका रूल लिख देने हम रूल रूल ये तीनों के लिए राइट, इनको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इन दी फॉर्म, फॉर मतलब क्या इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर माइनस जी बटा फोर ए स्क्वायर, नहीं समझे, अरे इनको ऐसे लिख रहा है, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते, देखिए ये बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना, इनको पहले तुम ए कॉमन ले लो, तो बोले हाँ ले लिया भाई, अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे बोलो, वो फिर बोलेगा कि तुम जो ना ए कॉमन ले लिया तो ए एक्स स्क्वायर, चलिए ये नीचे हम लिख देते थोड़ा अच्छा लगेगा, बोले ए कॉमन ले लिया ना तो अब उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, बोलो ठीक है परफेक्ट स्क्वायर बनाते रुक जाओ, बोलेगा तुमको ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, देखो इसको क्या लिए बी बाय ए को, यहाँ बी बाय ए ये दो दो कट जाएगा एक्स, फिर यहीं आ जाएगा ना, यही लाइन यही लाइन यही लाइन, ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये बी बाय कितना है टू ए ना, इसका स्क्वायर जोड़ दीजिए, ये सी बाय ए है इसका स्क्वायर फिर घटा दीजिए, नहीं समझे बात, देखिए ई इनको हम ऐसे लिखे दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए टू ए बी बनाने के लिए, ये हम ऐड करिए ये घटा दिए, फिर कटेगा तो यही ना आ जाएगा सी बटे यहाँ है ये यहाँ यहाँ आ जाएगा, इतना करने के बाद ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बना आपका एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर, इनका क्या होगा इनका 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 फोर ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे दो दिन चार फोर नीचा में तो यहाँ ए से कट जाएगा तो फोर ए बचेगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस को मान लीजिए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा फोर ए स्क्वायर, यदि इक्वल करिएगा तो ए एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर, इनका मतलब क्या होता है माइनस डी बटा फोर ए स्क्वायर,
याद है ना डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, तो वही चीज तो ये लिखा हुआ है यार। ये देखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ये बराबर होता है, मतलब आप परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए आपका काम बन जाएगा। वही गॉप ये कहता है ये तीन टाइप का इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा, ये काम करेगा तो वो नैन में से कोई एक फार्मूला पक्का इस्तेमाल हो जाएगा। ये समझ गए, एक्सप्लेनेशन समझ गए, एक्सप्लेनेशन समझ गए। एक क्वेश्चन इस पर करिए क्वेश्चन, यार मैक का आवाज़ शायद आता होगा दोस्तों, संभाल लीजिएगा, क्या करिएगा, शादी हो रहा है बगल में तो वो लोग भी बजा रहे हैं, अपना खुशी का माहौल है, मेरा भी लेक्चर लेना जरूरी है क्योंकि वीडियो मुझे भी अपलोड करना जरूरी है। ये हो गया डी एक्स बटर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, अब इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नीचे भी स्क्वायर लग रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन अभी लेकर नहीं बढ़ना है, आप सिर्फ इसको लेकर बढ़िए, क्वाड्रेटिक को बढ़िए, उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। आप तो समझ गए ना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, टू स्क्वायर थ्री प्लस फोर, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। या तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन ए इंटू एक्स बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस डी बटा फोर ए, जैसे हमको याद है ऐसे, और नहीं तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है आपका दो है, बी का वैल्यू कितना है तीन है, सी का वैल्यू चार है, ठीक है, वही इसमें पुट करेंगे। डी का वैल्यू निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर मतलब तीन तीन नौ चार ए, तो चार चौके सोलह दिन बत्तीस, बत्तीस में से नौ गया तो कितना बच जाएगा आपका, बत्तीस में से नौ गया तो आपका तेईस ना, बत्तीस में से नौ गया हाँ तेईस, तेईस हो गया। डी का वैल्यू आ गया आपका तेईस, ए का वैल्यू आ गया टू, बी का वैल्यू थ्री, सी का वैल्यू ये, इसमें पुट कर लीजिए, पुट करिए, ए का वैल्यू दो एक्स, बी का वैल्यू थ्री टू, ए का वैल्यू टू, इनका स्क्वायर माइनस डी का वैल्यू तेईस फोर ए, ये हो गया कितना टू एक्स प्लस तीन बटा चार का स्क्वायर माइनस तेईस बटा आठ। इनको अब उस क्वाड्रेटिक की जगह पर लिखिए, इनको चलिए हम लिख रहे हैं, कहाँ लिखे दोस्तों, कहीं गलत हुआ क्या, यहाँ माइनस होता है ना माइनस, तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस माइनस, अब ठीक है ना, हाँ तो चलिए डालिए क्वाड्रेटिक के अंदर डालिए, तो आई इजिकल टू कितना हो गया आपका डी एक्स बटा टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस चार है ना, हाँ इनको आप क्वाड्रेटिक की फॉर्म लिखिए, अभी जस्ट लिखे क्या लिखे, डी एक्स बटा ए का वैल्यू टू था, एक्स प्लस बी बटा टू कितना निकाले थे तीन बटा चार का स्क्वायर, और यहाँ एक बिग ब्रैकेट था दोस्तों, यहाँ पे हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया था, तेईस बटा कितना था आठ एट, ठीक है, तो दो तो बाहर है तो दो को तो बाहर कर लीजिए, दो को बाहर कर लीजिए, डी एक्स बटा इसको लिख लिए रूट थर्टीन बटा रूट एट का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी गलती हुआ है क्या जी, चार ए का वैल्यू कितना है दो है, एक बार हमको मिलाने दीजिए, यो हो यहाँ गलत हुआ, टू ए स्क्वायर होता, हम भी बोले मेरा हार्ड कॉपी से नहीं मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका सोलह हो जाएगा, यहाँ पे सोलह होगा तो वहाँ पे आपको चार देना पड़ेगा, नहीं दोस्तों मुझे हार्ड कॉपी से नहीं मिला ना इसलिए, अब बोले आपको कैसे पता है भाई, पढ़ के आते हैं ना, अभी एक्सपीरियंस थोड़ा है, कितना हो जाएगा ये वन बटा टू बाहर, ये हो गया आपको ये फार्मूला पे डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका क्या होता है वन बटा ए टेन वर्स एक्स बटा ए, ये इनको इस्तेमाल करिए, वन बटा ए ए का वैल्यू रूट थ्री बटा चार टेन वर्स एक्स बटा ए प्लस हो गया, यही आंसर, यही आंसर हो गया दोस्तों, क्लियर है ना, आसान है। चलिए सेकेंड फॉर्म पे एक क्वेश्चन कर लीजिए, जो जो बताए हैं ना उस सेकेंड वाला पे, सेकेंड क्वेश्चन आसान लेते हैं दोस्तों, आई इक्वल टू डी एक्स बटा मतलब क्वाड्रेटिक रूट के अंदर देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे आपको श्योर बन जाएगा, ये भी दिशा में परफेक्ट स्क्वायर बनाइए,
बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि फार्मूला ही हमेशा, कभी कभी डायरेक्ट दिख जाता है तो उसको देखिए। जैसे डी एक्स स्क्वायर बटा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, टू एक्स इंटू वन लिख सकते हैं इसको, वन का स्क्वायर प्लस पाँच चाहिए तो हमको दो का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते। कभी कभी दिख जाता है, देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिल गया, टू एक्स मिल गया, एक और चार पाँच मिल गया, मिल गया। अब देखिए ये फार्मूला बैठ गया, क्या फार्मूला बैठ गया, डी एक्स बटा एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर। ये अब किस फार्मूला बैठ बैठ गया पता है, लॉग एक्स प्लस दिस दिस याद नहीं है जी, ये वाला लॉग एक्स प्लस दिस, नहीं याद है तो जाके देखिए कौन फार्मूला, चौथा चौथा फार्मूला ये, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया। इसको गुना भाग करिए, लेकिन ध्यान दे x के बल में 1 है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करिए ना करिए बात फर्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 इनको गुना भाग करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 भी आ जाएगा और हो गया आंसर। आंसर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि देखिएगा तो तीसरा फॉर्म भी एक को कहे छोड़ेंगे, वो तीन फॉर्म था ना, इस पर करा ही दिया आपको, इस पर ही करा ही दी, इसको काहे छोड़ेंगे, इसको ही निपटा देते हैं, नहीं तो उसी उसको निपटा देंगे तो एक उसी टाइप का ले लेते हैं, छोड़ दे अब वो खुद उस पर कर लीजिएगा, दो ठक क्वेश्चन कर दिए आ जाएगा आपका। अब एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्म है उनको आप देखिए, क्या इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, देखिए पूरे बेसिक मजबूत कर रहे हैं आप, सिर्फ एक बिक दे दीजिए हमको इंडिफिनिट पर, इंडिफिनिट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। पहला इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटा क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, यहाँ हो डी एक्स। दूसरा ऊपर लीनियर और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, कोई दिक्कत। या तीसरा लीनियर आपको मल्टीप्लायर क्वाड्रेटिक के बगल में, लेकिन क्वाड्रेटिक भी आपका ऊपर में ही है, ठीक है डीएक्स, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे ए और पी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो सिंपल ही बात है, ठीक है। इतना रहेगा तो इसका हम रूल लिख रहे हैं दोस्तों, रूल 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 व्हाइट पेन से, रूल इनका रूल क्या है दोस्तों, राइट पी एक्स प्लस क्यू, मतलब वो जो लीनियर जो है ना दोस्तों लीनियर, उनको ई फॉर्म लिखिए इन द टर्म ऑफ डीसी ऑफ इसका, इनके डीसी की फॉर्म लिखिए, इनके ये क्वाड्रेटिक वाला डीसी फॉर्म में, देन यूज फॉलोइंग रिजल्ट, नीचे हम एक रिजल्ट लिख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, विच एवर इज अप्लीकेबल, जो अप्लीकेबल आपको होगा, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है दिखाते, पहला फॉर्मूला ये शायद पहले बता भी चुके हैं फिर भी यहाँ बता देते हैं, ये वाला इसका डीसी यदि ऊपर में सेट रहे नीचे में गधा रहे तो लॉग गधा था, आपको तो पता होगा कई बार तो इस्तेमाल भी किया। दूसरा नंबर की भी बात करूँ, ऊपर डीसी सेट रहे नीचे एफ एक्स रहे लेकिन वो रूट के अंदर रहे, ये थोड़ा देर पहले आज भी प्रॉब्लम में यूज किए थे, टू रूट एफ एक्स डायरेक्ट सी एफ एक्स पर पावर एन, यहाँ डीसी यदि आपका सेट रहे क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, फार्मूला वही एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी वाला काम करेगा, कोई दिक्कत। ये तीनों फार्मूला आप काम करिएगा, देखिए फिर हम समझा देते क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों वो लीनियर जो है ना लीनियर क्वाड्रेटिक का डीसी का फॉर्म लिखिए, डीसी का फॉर्म लिखिएगा, ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा तब देख लीजिए फॉर्म कैसा रहेगा, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक, लीनियर बटा रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है इस फॉर्म पे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, निपटाते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, चलिए इन्हीं पेन से लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स डी एक्स। अब देखिए कौन फॉर्म पे आ गया सॉल्यूशन, ये देखिए किस फॉर्म पे आ गया, देखिए आ गया ना पाला वाला पे, ऊपर नीचे लीनियर क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक आ गया। इसका रूल क्या है अभी सिखाई थोड़ा देर, एक्स को जो लिखेगा ना एक्स को, देखिए इनको लिखिएगा किस में, इनके डिफ्रेंसिएशन में, एक्स को क्या लिखेगा दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल, रूल मेरा क्या कहता है कि एक्स को लिखना है डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसका डी सी क्या होता है दोस्तों, इसका डी सी टू एक्स प्लस वन। एक्स को ऐसे लिखना है इस तरह से, ऐसे इस फॉर्म में, इसका डी सी तो मतलब एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब डी सी ऑफ दिस इतना होता है, तो एक्स को आपको वैसे लिखना है ऐसे ऐसे, मतलब एक्स को ऐसे लिखना है। हम देखिए कैसे लिख रहे हैं बता रहे, देखिए आपको जो लिखना है टू एक्स चाहिए टू एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनके बाद क्या चाहिए, प्लस वन दे दीजिए, जो चाहिए वो लिख दीजिए। और नीचा में क्या करिए आप, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिर्फ एक लाइन बैलेंस करेंगे, जो चाहिए हम उसको लिख दे भाई, तुमको निचला का डीसी चाहिए ऊपर में, हम डीसी तो लिख दिए, लेकिन हमको ये वन तो नहीं चाहिए, तो वन घटा दिए, तो वन कट जाएगा, टू एक्स आ जाएगा। फिर बोले हमको टू एक्स नहीं चाहिए भाई, एक्स चाहिए सिर्फ, तो बोले रुक जाओ, अब हो गया, अब जैसा था वैसा ही हो गया, लिख दिए। लिखने के बाद जैसे वन बाई टू टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर डी एक्स, इनसे इसमें गुना करिए, अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग इनके और इनके अलग अलग कर रहे हैं, ये हो गया डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस साइड हम लिख रहे हैं आइज कल टू, क्या हो गया टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर डी एक्स, वन बाई टू डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस फोर। ये वन बटा क्वाड्रेटिक बन गया पहला, अभी थोड़ा देर पहले, बहुत देर पहले जो पढ़े थे, ये वन बटा क्वाड्रेटिक मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इसके बारे में तो अभी जस्ट पढ़े हैं, इनके बारे में नीचे कोई फंक्शन रहे, ऊपर में उनका डी सी सेट रहे, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला, नीचे कोई फंक्शन ऊपर डी सी सेट, लॉग नीचे वाला हो जाता है, तो यहाँ तो हो गया आपका वन बटा टू लॉग नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं, तो वन बटा टू, इनको तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा काम बन जाएगा, तो हम बना रहे हैं एक्स प्लस वन का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे, देखिए ए स्क्वायर टू ए बी, इनको बनाने के लिए सिखा रहे, रुकिए इनको बनाने के लिए सिखा रहे, ए स्क्वायर इसको वन बाई टू ए और बी, कोई दिक्कत, देखिए दो कट जाएगा प्लस दो का स्क्वायर माइनस छः है माइनस दो का स्क्वायर, कोई दिक्कत, देखिए इन्हीं को क्या करिएगा, दो कट जाएगा एक्स मिल जाएगा, ये दो स्क्वायर ये दो स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस सिक्स मिल जाएगा, इन्हीं को लिख दीजिए एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ छः चार दस मतलब रूट टेन का स्क्वायर, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे माइनस रूट टेन का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बोलिए रूट टेन ही है ना, हाँ रूट टेन ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, जहाँ तक हम किए सही है। तो अब क्या करना है दोस्तों, ओहो गलती हो गया ना, यहाँ पे 2ab यहाँ पे 1 बाई टू होगा 1 बाई टू होगा 1 बाई टू होगा 1 बाई टू, यार गलत हो गया, गलती हो गया, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। इसको अब लिखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को लिख रहे हैं 2x इंटू 1 बाई टू, कोई दिक्कत, वन बाई टू के स्क्वायर लिख लिए माइनस छः है तो माइनस छः, ये वन बाई टू बाहर बैलेंस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना बन गया ए प्लस बी का हल स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया माइनस छः दुगनी चार मतलब एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, ये छः चौक चौबीस मतलब पच्चीस मतलब पाँच बटे दो का स्क्वायर, क्लियर, यहाँ आएगा पाँच बटे दो का
स्क्वायर। अब इतना कर लिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म पर आ गया, इनको क्या लिखेगा, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छ माइनस वन बाई टू है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस पाँच बटा दो का स्क्वायर। तो इस्तेमाल करिए, यहाँ तो यही रहेगा वन बाई टू, ये होगा वन बटा टू ए, ठीक है, लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स, अब ये सब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बहुत लिख दिए, एक्स बटा ए, ये प्लस सी ये सी, यही तो आंसर हो गया दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है। तो और एक फॉर्म बच रहा है दोस्तों, उसको निपटा के बाद और क्लास को हम करेंगे यहीं पे एंड। एक फॉर्म क्या बच रहा है तो उसको देख लीजिए। मजा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो खुद से क्वेश्चन करिए, मजा आएगा। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, थोड़ा आईआईटी जेम में ये भला नहीं आता है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है इसलिए हम बेसिक मजबूत कर रहे हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ए एक्स बटा बी सी एक्स डी, मतलब लीनियर बटा लीनियर है लेकिन रूट के अंदर में रहे और डी एक्स रहे तो, और ए सी आपका तो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब लीनियर फ्रैक्शनल फंक्शन होना चाहिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनको ये मतलब लीनियर फ्रैक्शनल फंक्शन होना चाहिए। तब इनका रूल क्या है बता रहे हैं, इसका रूल क्या है, इस पर क्वेश्चन अच्छा अच्छा बनता है। इसका रूल देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए एक्स बी, जब ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा ऊपर लीनियर बन जाएगा, मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, पिछला वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कराते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आप दोस्त, फिर इस क्लास को पैकअप करेंगे और फिर होमवर्क जो दिए वो होमवर्क करके आइएगा, फिर आज जो पढ़ाए ना इसका होमवर्क कल देंगे। आई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बटा एक्स माइनस वन, इनको करिए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि ए एक्स मतलब ऊपर वाला से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, यहाँ ऊपर में क्या एक्स प्लस वन उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। चलिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, रूट है तो रूट दे दिए, रूट के अंदर में कोई बात। आप देखिए ऊपर में क्या होगा, स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर में तो बाहर ऐसे आएगा, नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये क्वाड्रेटिक ऊपर में लीनियर बन गया तो आपको पता है ना इसका डी सी क्या होता है, डी सी एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या डी सी होता है, टू एक्स, तो टू एक्स होता है तो टू एक्स बनाइए, टू एक्स तो अलग अलग करेंगे तभी आसानी से बन जाएगा, देखिए ना यहाँ पे, और प्लस यहाँ हो गया डी एक्स वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, अलग अलग कर दिए। यहाँ पे आपको टू चाहिए तो टू तो आपके हाथ में है ना यार, यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वो, आवाज़ बहुत आ रहा है, ठीक है, क्लास को लगता है यहीं एंड करना पड़ेगा। दो वन बटे दो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया तो अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो वन बाई टू ई अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे वही फॉर्मूला बैठ गया, कौन बीच वाला पे, ऊपर में डिफ्रेंशिएशन रहे नीचे में रूट रहे तो टू रूट एफ एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डी सी ऊपर सेट है, इनका इनका ऊपर डी सी देखिए ना सेट है, ये हो गया टू रूट एफ एक्स, टू रूट एफ एक्स प्लस, ये तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है वन बटा टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फार्मूला याद नहीं है तो जाके देखिए, ये दो दो कट गया, यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों बताने के लिए तो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन और है लेकिन क्या करें, टाइम साथ नहीं दे रहा है, तो आप होमवर्क में ले लीजिए इसी पे एक क्वेश्चन। उधर देखिए ना मैक बहुत आवाज़ कर रहा है इसलिए हमको वॉइस दिक्कत होगा, इसलिए हम क्लास ही करेंगे। आई इजकल टू क्या है, करिए यहाँ ऊपर नीचा एक्स से मल्टीप्लाई करिए, क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं दिक्कत इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो वो आप हमको क्या नाम है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप क्या सीखे, ये फॉर्म सीखे,
लीनियर बटर लीनियर अंतर मिलेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप खोज के देखिए ना, ये सब रूल ही नहीं मिलेगा आपको, कैसे कैसे घिना देता है बोर्ड पे, वहाँ खुद पता नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको फ्रेश माल मिल रहा है सब चीज़। इनको आप रिस्पेक्ट करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। IITJM का सिर्फ 3-4 क्लास और इंडिफिनिट लगेगा, इनके बाद खत्म होगा। फिर डिफिनिट से तो IITJM भी आता है, क्वेश्चन भी दिखाएंगे आपको, 23 में आया हुआ भी है। तो इसका बेस बना रहे, आप लोग मत घबराइए कि क्या कर रहे नहीं कर रहे। देखिए मस्त है ये सब फार्मूला, नोवो फार्मूला आज देख लीजिए आप, नोवो दोस्तों, ये नोवो, ये होमवर्क तो पक्का कर ही लीजिए। ये देखिए 39 क्वेश्चन जो आप करिएगा, ये 39 क्वेश्चन, कलम बदल लिए थोड़ा, ये 39 क्वेश्चन जो आप जो करिएगा तो आपका एक सॉरी, ये 39 जो करिएगा ना आप, कलम ले लीजिए तो फिर बता रहे हैं, ये 39 क्वेश्चन तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें आप दिमाग काम करें क्या पुट करें, इसमें दिमाग का काम करेगा क्या पुट करेंगे, इस तरह का चीज़ आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम है विजेंदर, 166 रैंक है मुझे अभी IIT खड़गपुर, 2 राउंड में मिल चुका है, 3rd राउंड में देखिए IIT बॉम्बे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों सभी को, थैंक यू, लिखिए, चलिए थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।